जी तो क्लास आज हमने पढ़ना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियसली हम सोशल एक्शन और इंटरेक्शन को पढ़ चुके थे। जिस वक्त हम ये देखते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट से हमारे सोशियोलॉजी के, जिसमें सबसे पहले हमने ग्रुप पढ़ा था और उसके बाद कम्युनिटी होती है, फिर सोसाइटी होती है, ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद हमने इंटरेक्शन को जिस वक्त नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा, उसमें ये चीज थी कि अकेला इंसान किसी भी तरह से दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। उसकी बेस्ट एग्जांपल आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था और तमाम लोगों को कहा गया था कि आप आइसोलेट हो जाएं या घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी, या ये था कि आपके मेल जोल पे आप एक तरह की, ये चीज भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी उन लोगों के लिए कि जिनको सोशलाइज होने का बहुत ज्यादा शौक है, या ऐसे लोग जिनको लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का बहुत शौक है। तो क्लास हमने जो आज टॉपिक करना है वो ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनकी जरूरत भी क्यों होती है, हम क्यों लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था सोशल इंटरेक्शन का, उसको हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करेंगे। हम स्टार्ट ये करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं साइज के लिहाज से मुख्तलिफ तरह की होती हैं। शराज ने हाथ खड़ा किया, प्लीज आपने रेज हैंड को अनरेज कर दें। आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो बाद में लिए जाएंगे, ठीक है। फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशंस आर द लार्ज सेकेंडरी ग्रुप्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव देयर गोल्स एफिशिएंटली। आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज को बताया था, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि आप एट अ टाइम मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स प्ले कर रहे हैं। आप अगर बेटी भी हैं तो आप एक स्टूडेंट भी हैं। जब आप स्टूडेंट के तौर पर घर से बाहर बाहर कदम रखती हैं तो उसमें आपकी मुख्तलिफ एफिलिएशंस होती हैं। आप लकास कॉलेज की एक स्टूडेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसके आप स्टूडेंट हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँ तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है BSIT, ठीक। और BSIT का भी फिफ्थ सेमेस्टर है, उसमें भी मतलब एक और सब ग्रुप बन जाएगा, एक और सब ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस की मुख्तलिफ तरह की काइंड्स हैं, मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज हैं। जिस वक्त आप एकेडमिक अपनी एक्टिविटीज में पार्ट प्ले कर रही होती हैं, तो इसके अलावा आपके कॉलेज में आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको एक्टिव रखने के लिए मुख्तलिफ तरह की दूसरी सोसाइटीज या मुख्तलिफ दूसरे तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर आपके कॉलेज में कोई डिबेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है या कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको उसमें फ्रीली एक हैंड दिया जाता है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन वी विल मोटिवेट यू कि अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस का भी हिस्सा बने। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके अगर कॉलेज में बैडमिंटन की एक छोटी सी टीम होती है, तो वो टीम आप अगर उनके मैच देखते हैं तो आप में भी इंकरेजमेंट होती है कि ये लोग खेल रहे हैं तो मुझे भी खेलना चाहिए, मैं भी सीखती हूँ कि किस तरह से ये चीज है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल या मुख्तलिफ तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है। जब हम उनको टेक्निकल पॉइंट्स से पढ़ते हैं ना, तो हमारे सामने ये चीज आती है कि दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, व्हिच मींस द एक्सेप्टेंस ऑफ द रूल्स, एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एज द राइट वे टू अप्रोच ह्यूमन अफेयर्स। मतलब लोगों के मामलात को ये अफेयर्स वो वाला अफेयर ना समझ लेना। हम ह्यूमन अफेयर्स का मतलब ये होता है कि इंसानी मामलात, वो तमाम चीजें कि जो इनके इंटरेक्शन की वजह से मार से वजूद में आती हैं या पैदा होती हैं, ठीक है। अब इसमें उन्होंने एक चीज ये देख लें कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको पता ही नहीं है कि आपने अब FSC कर ली है, ICS कर ली है, अब आपका फर्दर क्या स्कोप हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे कि जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करे कि अब आपने किन रूल्स को फॉलो करते हुए किस जगह पे जाना है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप FSC करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कि आपको एक पहले टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। वो टेस्ट आप अगर दोगे तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए।
और उस इंजीनियरिंग कॉलेज के भी फिर आगे से फर्दर कुछ रूल्स होंगे, और उन रूल्स में ये चीज होगी कि आपके इतने परसेंट मार्क्स हो, और आप ये कभी थर्ड डिवीजन ना आई हो, आपका जो एंट्री टेस्ट है उसमें इतने मार्क्स हो, और फिर आप जब ये तमाम चीजें क्लियर कर दें तो फिर आपको उस बोर्ड के सामने भी एक दफा प्रेजेंट होके एक छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये तमाम चीजें होंगी तो आपको बाकी लोग जो मुकाबले में आपके अगेंस्ट आ रहे हैं, आपको उनके अगेंस्ट भी देखना होगा कि भाई मेरिट पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, सीट्स कितनी है, ये तमाम चीजें आपको वो ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर दे रही होती है। तो ये तमाम चीजें जब फर्दर देखते हैं तो हमें पता चलता है दिस न्यू ओरिएंटेशन ट्रांसफॉर्म द वे इन विच सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज। अब एक तरीके से आप चल रहे हैं, कोई हैपजर्डली काम नहीं हो रहे हैं, कोई बिखरा हुआ काम नहीं है, आपको पता है ये चीज है, इसको इस तरह से करना है, आप ये काम करेंगे फिर नेक्स्ट ये प्रोसीजर होगा, उसके बाद थर्ड ये प्रोसीजर होगा, फोर्थ पोजीशन प्रोसीजर होगा, और फिफ्थ प्रोसीजर में आप क्लास में बैठ के इंजीनियरिंग के आप जो लेक्चर है वो अटेंड कर रहे होंगे। मीनवाइल ये चीज भी क्लियर करती है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को या उसके ग्रुप्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी ग्रुप्स असाइन टू अचीव explicit objectives have become a central feature of contemporary society. किसी भी organization का काम क्या है? अब आपका जो college है, विकास कॉलेज, ये एक ऐसी organization है जिसका पर्पस जो है वो स्टूडेंट्स को एनलाइटन करना है, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है, तो वो अपने उसी पर्पस के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे जो आपकी रीडिंग है उसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि बिजनेस कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, प्रिजंस, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, ये तमाम चीजें हैं जिनका डेलिब्रेट जो रीजन है क्रिएट करने की, इनको बनाने का बुनियादी मकसद है सोशल मैकेनिक्स विद द ह्यूमन पार्ट्स। तमाम लोग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, तमाम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब ये कनेक्टेड लोग होंगे तो इस चेन को किस तरह से एक पर्टिकुलर तरीके से चलाया जाएगा, आपके इसी चीज को हम फर्दर आसान तरीके से ये इस तरह समझते हैं। आपका एक कॉलेज है, उसके लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। अब बिल्डिंग आपकी होगी, उसमें तमाम फैसिलिटीज मौजूद होंगी। जब तमाम फैसिलिटीज होंगी तो अब खाली बिल्डिंग में ने तो तालीम नहीं ना देनी है आपको, उसके लिए जरूरी है कि वहां पर टीचर्स हायर किए जाएं, हर सब्जेक्ट के लिहाज से मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस के टीचर्स। जब वो टीचर्स हायर हो जाएंगे तो उसके बाद स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेक्शन वन ऑन वन है और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको यहाँ एडमिशन का एक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, रूल्स सेट किए जाएंगे। अब जब रूल्स एक दफा सेट हो जाएंगे तो तमाम स्टूडेंट्स को कहा जाएगा ये आपका टाइम टेबल है, आपने इस टाइम पे आना है और इस टाइम पे जाना है, जो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको फाइन होगा। अब यहाँ पे तीन तरह के लोग आ जाएंगे, स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे और नॉन फैकल्टी मेंबर्स होंगे। जो नॉन फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपकी तमाम कोऑर्डिनेशन करेगी, आपको बताएगी इतने बजे आपकी क्लास है, जब ये आपकी क्लास शुरू होगी तो उसके बाद ये इतने बजे खत्म होगी, आपके इस तारीख को पेपर्स होंगे, उन्होंने आपके पेपर्स लेने हैं, आपको रिजल्ट देना है, आपके जो भी इश्यूज हैं उनको वो सॉल्व करेगा। जब ये चीज इस तरह फर्दर आगे जाती है तो हम इस चीज को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी टाइप्स हैं। तो हमें पता चलता है कि इसकी तीन तरह की काइंड्स हैं और उन तीनों को हम आपके जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि आप तमाम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एग्जांपल सामने रख के उसको फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। घबराना नहीं है, इसमें कुछ मैंने और एग्जांपल्स भी पुट करने की कोशिश की थी जिस वक्त मैंने ये आपकी पूरी रीडिंग कंपाइल की है ताकि आप फर्दर इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Formal organization operates in a deliberate way not to meet personal needs but to accomplish complex job. Offices status remains intact but the members can come and go. Types of the formal organizations, इसमें further तीन तरह की examples हैं, तीन तरह की kinds हैं, utilitarian, normative and coercive. जो formal organization की इस चीज को further इस तरह से भी कर सकते हैं, understand कर सकते हैं कि एक organization बना दी जाती है, ठीक है, लेकिन उसके जो लोग हैं वो आते और जाते रहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगेन मैंने आपको कहा था कि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्पल देंगे। आपका कॉलेज यहाँ पर है, आप आए हो, पढ़ोगे और पढ़ के यहाँ से चले जाओगे। मीनवाइल मैं भी एक टीचर हूँ, मैंने यहाँ पे आई
पढ़ाया और मैं पढ़ाकर चली जाऊंगी, मेरे बाद कोई और टीचर आके आपको यहाँ पर पढ़ाएगा. तो बेसिकली ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें काम लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है. उसकी फर्दर उन्होंने तीन टाइप्स कही हैं. यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट अबाउट एवरीवन हु वर्क्स फॉर इनकम इन ग्रुप इन मेंबर ऑफ द यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन विच पेज इट्स मेंबर टू परफॉर्म द जॉब फॉर विच दे वर हायर्ड. अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में जो स्वीपर्स हैं, जो आपका क्लीनिंग स्टाफ है, जो आपके गार्डनर्स हैं, उनका काम क्या है? उनको पैसे दिए जाते हैं और वो पैसे लेने के बाद उस चीज को सॉल्व करते हैं. एक छोटी सी यहाँ पे काम हो रहा है, मैं स्टॉप कर रही हूँ अपनी शेयरिंग यहीं पे. नॉन सीरियस लिया जा रहा है शिराज खिला, हम इनको जो है मेरे ख्याल में मैं इनको आप इसको शायद मजाक कर समझ रहे हैं आपकी शिराज, ये मैं शिकायत भी लगाऊंगी और ये चीज रिकॉर्ड भी हो रही है. सो प्लीज इस चीज को आप सीरियस लें तो बेहतर है. आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं और उनको तमाम चीजें शो कर रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं यहाँ पे कोई हम ड्रामा कर रहे हैं. जी क्लास, तो हम यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे एंड सॉरी कि आप लोगों को दरमियान में रोकना पड़ा था. फर्दर हम ये चीज देखते हैं कि यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर किया जाता है उनकी सर्विसेज के लिए, उनको पे किया जाता है और उनसे काम लिया जाता है. इसमें टीचर्स भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है और वो तमाम लोग हैं कि जिनको जो सैलरीज लेते हैं. आप लोग तो पे करते हो ना, ठीक है, कि हमने पढ़ना है ये पैसे ले और हमें पढ़ाएं. लेकिन जो यूटिलिटेरियन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो पर्टिकुलर कामों के लिए लोगों की हेल्प लेते हैं, ठीक है, और वो सैलरीज उनको दी जाती है. इसमें टीचर्स भी शामिल है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, आपके स्वीपर्स, आपके गार्डनर्स, आपके जो इवन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, उनको सैलरीज प्रोवाइड करनी है. उसके बाद नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन है. पीपल ज्वाइन नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इनकम बट टू परसू गोल्स दे कंसिडर नॉर्मली द परसू नॉर्मली वर्थ वाइल. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन. द इंटरेस्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्युनिटी सर्विसेज. अब इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके अगर कॉलेज आपके अगर एट गेट आपने कभी कोई हॉस्पिटल्स देखे हो, ठीक है, या आप लोगों ने देखे हो ईदी ट्रस्ट या आपका जो रेड क्रिसेंट है, जब भी लोगों को मदद की जरूरत होती है तो ऐसे लोग वॉलेंटियरली सामने आते हैं. उनको कोई इनकम उस तरह से नहीं दी जाती. अगर अनफॉर्चुनेटली या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आप देख लेते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई सड़क पे हादसा हो जाता है, तो आप हादसे को देखते फौरन ही सबसे पहले कहते हो कि एम्बुलेंस बुलाओ, कोई जख्मी हो गया है, कुछ इस तरह की चीज हो गई है. आप 112 को कॉल करते हो या आप ईदी को कॉल करते हो. ईदी को कॉल करके आप कहते हो इसको आप हॉस्पिटल ले जाओ, वो उनकी एम्बुलेंस आती है और वो एम्बुलेंस में जो जख्मी होते हैं उनको हॉस्पिटल तक ड्रॉप करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं. वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, वो उस मरीज से पैसे नहीं लेंगे जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इस तरह का मिसहैप हुआ है, किसी जगह आग लग जाती है, कुछ हो जाता है. ऐसे लोग वॉलंटियरली काम करते और इनकी सैलरीज इनकी ऑर्गेनाइजेशन इनको प्रोवाइड करती है. हम देखते हैं आपके मुल्क में जब जलजला आए या सैलाब आए या कुछ इस तरह की नागहानी आफत आती है, कुछ इस तरह का हादसा हो जाता है जिसके बाद लोगों को प्लीज जिनका माइक म्यूट नहीं है वो अपने आप को म्यूट कर लें. Coercive organizations have involuntary membership. They are totally institutions. The feature very strict control of the members by top ranked officials. Members are physically and socially separated from outsiders or the civil society.
the example of which can be prisoners or the psychiatric hospitals and the military units. ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें emotions बहुत शिद्दत के होते हैं, मतलब they can damage or harm anyone. इसमें तीन तरह की example दोनों ने fit की हैं. Prisoners जो कैदी हैं, definitely उन्होंने कुछ society में ऐसा तकलीफ किसी को दी है, हार्म दी है कि जिसकी वजह से उनको तमाम लोगों से अलग कर दिया जाता है कि अब इनकी इसलाह होगी, इनको आइसोलेट रखा जाएगा ताकि ये मुआशरे को या सोसाइटी को फर्दर डैमेज ना करें. या जहनी मरीज जो होते हैं जो अपना स्टेबिलिटी है वो खो देते हैं, जिसकी वजह से उनको सेपरेटली शिफ्ट किया जाता है. तीसरी एग्जाम्पल उन्होंने मिलिट्री यूनिट्स की दी है. मिलिट्री यूनिट्स के लोग फिजिकली फिट भी होते हैं, मेंटली फिट भी होते हैं, लेकिन उनको पूरी तमाम लोगों से उस तरह से अलग नहीं रखा जाता है. लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो डिमांड करता है कि ये लोग तमाम सिविलियन से अलग रहें, क्योंकि दे हैव टू मैनेज, दे हैव टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स. तो ये अपने ही मखसूस इलाकों में रहते हैं और वहीं पर ये अपनी तमाम प्रैक्टिस, अपनी तमाम ट्रेनिंग, जिसमें इनकी असलाह चलाने की भी ट्रेनिंग शामिल है. अगर कोई भी एक फौज से ताल्लुक रखने वाला बंदा अगर अपना वेपन लेके लोगों के दरमियान है और वहां चलाना शुरू कर दे, डेफिनेटली वो लोगों को हार्म करेगा, उससे लोग जख्मी होंगे, कोई मर भी सकता है, ठीक है, किसी की जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो सकती है. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इनको एक पर्टिकुलर एरियाज में रखा जाता है जहां पे ये अपनी फायर रेंज में अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं फायरिंग की, और तमाम ये चीजें होती हैं. ये तमाम मुख्तलिफ काइंड्स थी, कैटेगरीज थी फॉर्मल ग्रुप की, और फॉर्मल प्लांट एक ही तरह के इनके नाम है. इनफॉर्मल ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर सेट एजेंडाज नहीं होते. जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों को कमेटी डालने का शौक है, तो आप कमेटी अपनी इकट्ठी करते हो, आपके 10-15 लोग होंगे, एक ग्रुप होगा, आपने ये करना है कि हम इतने पर्टिकुलर अमाउंट रखेंगे, आप एक किसी कॉज के लिए इकट्ठे हो रहे हो. ये इनफॉर्मल ग्रुप्स भी इस तरह के होते हैं, प्लांट इन प्लांट इम्पर्सनल ग्रुप्स भी होते हैं, जिस तरह या ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं. तो ये चीजें तमाम आपकी इसमें शामिल है. हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा इसी रीडिंग में नीचे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एग्जांपल बना के, और ब्यूरोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलती है, उसके अंदर फर्दर किस तरह से सब ग्रुप्स होते हैं, और वो किस तरह से आपके मुल्क के इंतजाम को लेके चलती हैं, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, इस ग्रुप को या इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए लोग CSS करते हैं, मुकाबले का इम्तिहान देने के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, और वो बाद में आपके इंतजामी अमूर जो आपके पूरी दुनिया में फैले होते हैं और ये मुल्क के अंदर है उसको हैंडल करते हैं. ये जैसे एक रीडिंग फर्दर चीजों को एलैबोरेट करने के लिए थी, इस वजह से मैंने उसको ऐड कर दिया. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट सोशल ग्रुप्स. ग्रुप्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, हम फर्दर इसको आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनकी काइंड्स क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं, किस तरह से ग्रुप्स फंक्शन करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रुप इज कॉल्ड अ सोशल व्हेन इट इंटरैक्ट इंटरप्ले अमंग द पार्टिसिपेंट्स. द सोशल इंटरैक्शन इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द सोशल ग्रुप. पीपल वॉकिंग इन बाजार, इन फेयर्स, मेलों में घूमते फिरते हैं, बसों में ट्रेवल कर रहे हैं, ये इवन हम यहाँ पे भी अगर क्लास ले रहे हैं, तो मैंने जो मैसेज आपको सबसे पहला प्रोवाइड किया वो सोशियोलॉजी BSIT का एक सोशल ग्रुप था जहाँ पे आप लोगों ने इंटरेक्ट करना है. बीइंग स्टूडेंट आपको रीडिंग चाहिए, ठीक है, बीइंग स्टूडेंट आपको हेल्प चाहिए कि इन रीडिंग में मौजूद मटेरियल को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है. ये तमाम चीजें जिस वक्त फर्दर चलती हैं तो हमें पता चलता है कि सोशल ग्रुप्स जो है बेसिकली सोशल इंटरेक्शन की वजह से सामने आते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ा था सोशल इंटरेक्शन का, उसमें ये था कि आप अपने म्यूचुअल जो आपकी डिमांड है, नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप एक दूसरे के साथ आते हो, एक दूसरे के से इंटरेक्ट करते हो. जब इंटरेक्ट करते हो तो आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं. इसी को फर्दर हम देखते हैं, फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से सोशल ग्रुप्स बनते हैं. तो फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो मेरियल ने दी है. मेरियल सेड द टू और द मोर पर्संस आर इन कम्युनिकेशन ओवर एन अप्रिशिएबल पीरियड ऑफ टाइम एंड हु एक्ट इन अकॉर्डेंस विद कॉमन फंक्शंस और द पर्पस.
फिर दोबारा उसी की एग्जांपल देते हैं कि आप लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपने पर्पस के लिए, अपने कॉमन फंक्शन के लिए. अब यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, मैं कहूंगी कि मिस ने क्या रीडिंग दी थी. आप कहेंगे जी कि मिस ने ये रीडिंग दी थी, ये इसका लिंक है, और अगर लेक्चर मिस कर दिया तो ये यूट्यूब का लिंक है, आप इधर से लेक्चर सुनो और ये रीडिंग पढ़ लो, और उसके बाद आप जो है अपना फोन रख देते हैं. इसका क्या मतलब है, पर्पस क्या था, हमें मिसिंग लेक्चर जो हम मिस कर चुके हैं वो हमें मिल जाए. ठीक, जिस वक्त आप ये चीज देखते हो आपका पर्पस फुलफिल हुआ, हमारा मिसिंग लेक्चर हमें मिल गया, रीडिंग हमें मिल गई, और उसके बाद अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिल गई. दूसरी चीज है जो AW ग्रीन ने कही है, एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स which persist in time, which has one or more interests or activities in common and which is organized. इसका ये मतलब है कि आप लोग organized तरीके से अपने interest को fulfill करते हैं. अब just for example, mid से पहले आप लोगों ने कोई चीज पढ़ी और आप में से किसी ने miss कर दी, mid आए, mids आके गुजर गए, अब आपके final आने वाले हैं, लेकिन आप लोगों में से कोई बेवकूफ तो नहीं ना होगा या कोई इतना अहमक नहीं होगा, वो कहेगा जी कि mid से पहले ये चीज हुई थी, मुझे ये प्रोवाइड कर दो. नहीं, ये चीज नहीं होगी. एक पर्टिकुलर टाइम भी होगा, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपने वो काम करना होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आज BSIT के जो लोग हैं फिफ्थ सेमेस्टर के, वो अपने FSC या ICS या मैट्रिक के जो बुक्स हैं वो खोल के बैठ जाएंगे, जी हमने ये चीज पढ़नी है. आपने वो क्यों पढ़नी है, इस चीज का टाइम गुजर गया. तो आपके लिमिटेड टाइम के अंदर जो इंटरेस्ट होंगे, जो एक्टिविटीज होंगी, वो कॉमन हो और वो ऑर्गेनाइज वे में चल रही हो. फर्दर कुछ और इसकी डेफिनेशंस हैं, उनमें सबसे मजे की एक और डेफिनेशन वो एम्रॉय एस बॉर्गेस ने दी थी, एंड ही सेड अ नंबर ऑफ पर्सन टू और मोर हु हैव कॉमन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अटेंशन, हु आर स्टिमुलेटिंग टू ईच अदर, हु हैव कॉमन लॉयलिटीज एंड पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटीज आर कॉल्ड ग्रुप. दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, नंबर वन. दूसरी चीज ये है कि वो एक दूसरे के लिए स्टिमुलेट भी रखते हो, मतलब एक दूसरे के लिए जज्बात भी रखते हो. आप लोग पूरी कॉलेज के साथ एक किसी एक्टिविटीज में इकट्ठे बैठे हो, आप लोगों को हॉल में बुलाया गया है. अब वहां पर आप देखते हो कि आप अकेले बैठे हुए हो और आपकी एक सीट खाली है, एंड यू आर एक्चुअली मिसिंग योर फ्रेंड्स. तो आपको दूर से आपकी BSIT की एक लड़की नजर आ जाती है, जिससे आपकी फ्रेंडशिप तो नहीं है लेकिन आप हेलो हाय करते हो, तो आप उसको हाथ के इशारे से बुला लेते हो कि मेरे पास आ जाओ. अब आप क्या हो गए, दो लोग हो गए, ठीक है. अब यू हैव कॉमन लॉयलिटीज एंड पार्टिसिपेट इन द सिमिलर एक्टिविटीज. अब चूंकि आप इकट्ठे पढ़ते रहे हो, आप जानते हो एक दूसरे को, तो यू विल सिट टूगेदर इन अ प्लेस जहां पर आप को कोई दूसरा नहीं जानता. अब वो एक भी हो सकता है, वो दो लोग भी हो सकते हैं. आपकी ये चीज जो लॉयलिटी पे बेस है, ये आपका एक सोशल ग्रुप बनाएगा. अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि वो कौन सी चीजें हैं कि जो बेसिस ऑफ सोशल ग्रुप है, जो फाउंडेशन है किसी भी सोसाइटी का या कल्चर का. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर अब तक हो चुकी होगी कि इंसान चूंकि अकेला नहीं रह सकता, उसको दूसरों फेलो मेन या वेमेन की जरूरत है, इंसानों की जरूरत है. तो मोस्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव इन दैट. अच्छा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो सोसाइटी का और लोगों को की एजुकेशन या एम रखते हैं, ठीक है. दे बिलीव दैट मैन स्टार्टेड हिज लाइफ ऑन दिस अर्थ बाय लिविंग टूगेदर. मैन हैज ऑलवेज being dependent upon his fellow beings in defense, food and shelter. The satisfaction of the various needs could be done only by the cooperation among the various people in society. Their reciprocal help brought them into social contact with one another, and here the social group was founded. It was the real foundation of the human society. Ab usme unhone mukhtalif tarah ki examples thi. इमाम गजाली की एग्जाम्पल दी, उसके अलावा शाह वलीउल्लाह की भी एग्जाम्पल दी. उन्होंने किस तरह से ह्यूमन रेस या स्टार्टिफिकेशन या इंसानों की बुनियादी जरूरियात पर बात की, और कहा कि जब लोगों की बुनियादी जरूरियात ही होती हैं जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं.
ठीक है, और एक सोशल ग्रुप की क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है ये, और सोसाइटी में आपको मैंने पहले भी बताया था बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सोशल ग्रुप पढ़ना होता है. इट मींस द सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स. मुख्तलिफ लोगों के इंटरेक्शन से ग्रुप्स बनते हैं, उन ग्रुप्स में किस तरह से काम करना है, सोशियोलॉजी बेसिकली उस चीज का एम है. अब जब हम फर्दर आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी एक जो बुनियादी छोटा सा भी, मतलब दो लोगों का भी एक सोशल ग्रुप होगा, तीन लोगों का भी सोशल ग्रुप होगा, उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. जो हमने लास्ट डेफिनेशन की थी सोशियोलॉजी की, उसके में क्या था कि कम से कम दो लोग हो, दो या दो से ज्यादा लोग हो, और उनके दरमियान एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो, मतलब उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो. अगर आप लोगों की बनती नहीं होगी ग्रुप के लोगों से, तो इसका मतलब है कि आप तो आप लोगों की अच्छी सलाम दुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप तो ग्रुप के साथ सर्वाइव ही नहीं कर सकते. ठीक है ना, देयर इज अ कॉमन पर्पस, कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा होंगे. ठीक, ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती है किसी भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सोशल ग्रुप की. इसके साथ बाकी और एसेंशियल चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन वो चीजों को मजीद कॉम्प्लेक्स करती हैं, मजीद वो फिर जितना बड़ा होगा उसकी उतनी बुनियादी जरूरियात बढ़ जाएंगी. इट मींस दैट दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट फॉर विच दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप, एंड द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग मे बी न्यूमरियस, बट डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द एज, सेक्स, इनकम, प्रोफेशन एंड द अदर गेव देम वेरियस टाइप्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स. अब जस्ट एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं. आप लोगों ने कभी सुना होगा कि खवातीन का ये ग्रुप है जिसके ऊपर खवातीन जो है, या आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स को ही देख लो, आप लोगों के फेसबुक वगैरह पे आपने मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होंगे. कुछ सिर्फ लड़कियों के होते हैं, कुछ सिर्फ लड़कों के होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें दोनों जेंडर्स जो है इन्वॉल्व होती हैं. कुछ ग्रुप्स आपके इस तरह के भी होते हैं कि जिसमें आप एक पर्टिकुलर मकसद के साथ आए होते हो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कोई गार्डनिंग का ग्रुप है जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ पौधों की, दरख्तों की, इन तमाम चीजों की बातें करोगे. ठीक है, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो एम्ब्रॉयडरी के ग्रुप्स होते हैं. आप लोग फेसबुक वगैरह पे जाके भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से लोग एक दूसरे को अपनी सिलाई कढ़ाई, अपने कपड़े शेयर कर रहे होते हैं. उसमें हमने ये नया डिजाइन बनाया है, या हम ये स्टिच कर रहे हैं, या आजकल मार्केट में ये नया ट्रेंड आया है. ठीक है, इसी तरह ये तमाम जो चीजें हैं ये चलती हैं. लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इंसानों के ही ग्रुप्स होते हैं. ग्रुप बेसिकली जिंदगी का एक मजमुआ है, जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है. तो आपको जानवरों के भी बहुत सारे ग्रुप्स नजर आएंगे. आपने देखा होगा कि चूंटियां जो हैं अपने बिल के पास काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है, तो वो जो ग्रुपिंग की शक्ल में रहने वाले जानवर है ना, उसमें परिंदे भी शामिल हैं, उसमें दूसरे जानवर भी शामिल हैं, कीड़े मकौड़े भी शामिल हैं, और इनकी एक पूरी सोशल लाइफ होती है. आप लोगों ने अगर कभी सुना हो कि एक जो मक्खी, ये शहद की मक्खी जो होती है, ये भी पूरी इंसानों की तरह एक पूरी सोसाइटी बना के रखती है. इनके अंदर भी क्वीन होती है. आपने कभी मधु मक्खी का नाम सुना होगा, ठीक है, मधुमक्खी या मधु मक्खी उसको बोला जाता है. तो जहां मधुमक्खी जाएगी, उसका पूरा ग्रुप, जो उसका सोशल ग्रुप है, वो उसके साथ साथ जाएगा. छत्ते में रहने वाली जितनी मक्खियां होंगी वो उसके साथ जाएंगी. तो ये किस तरह से एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं. आप लोगों ने जानवरों के बारे में, शेर है, शेरों में भी एक उनका सरदार होता है, बाकी दूसरे छोटे बड़े दूसरे शेर होते हैं, और वो उनको रूल कर रहा होता है. ये भी इकट्ठे रहते हैं झुंड की शक्ल में. तो इंसानों के साथ जानवरों के भी बहुत जरूरत है कि वो ग्रुप में रहें. मैंने फर्दर आपको इसकी टाइप्स पढ़ानी थी, टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप, लेकिन अब क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड है, हम अपनी क्लास को आज यहीं पे एंड कर रहे हैं. होप सो हमने जितना पढ़ा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सोशल ग्रुप के बारे में, आपको अब तक समझ आया होगा. हम फर्दर अपनी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स के साथ शुरू करेंगे. कोशिश कीजिएगा कि आज हमने जो पढ़ा है, कल आप वो सारा पढ़ के एक दफा रिवाइज करके आए, क्योंकि जितनी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग इट्स डेफिनेशंस, एसेंशियल एलिमेंट्स, वो तमाम चीजें आपको फर्दर टाइप्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे. तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.